शुक्रिया राजीव जी। नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया है, भाषण के कंटेंट पर मुझे कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने बहुत सटीक और सही बात कही है करप्शन के खिलाफ, करप्शन प्रैक्टिस के खिलाफ, और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जानी चाहिए, सीबीआई को काम करना चाहिए, या जो भी भ्रष्टाचार रोकने वाली संस्थाएं हैं उनको काम करना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों पर जो लोग करप्शन प्रैक्टिसेस में लगे हैं उसमें ये रोक लगनी चाहिए। तो आइडियली तो कंटेंट में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मोदी जी की खासियत क्या है कि वो उसी पर प्रवचन उनका होता है जो खुद जिस चीज में वो बुरी तरह से लिप्त होते हैं। अब है कि इन चीजों को जो प्रशांत टंडन जी बता रहे हैं, इन चीजों को मुद्दा बनाएगा कौन, सबके सामने लाएगा कौन, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं कि मीडिया का इंटरेस्ट नहीं है उन बातों को सामने रखने में कि जिस किसी प्रदेश में चुनाव होते हैं वहां बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो यात्राएं होती हैं, जो घोषणाएं होती हैं, उनको दो हिस्सों में बांट करके कि वो जो टैक्स पेयर्स का पैसा है प्रधानमंत्री के तौर पर जो वो जाते हैं और चुनाव प्रचार करते हैं, जबकि आचार संहिता लगी भी नहीं हुई होती है, उससे पहले वो प्रचार कर लेते हैं इसका फायदा उठा करके। तो ये जो पैसा टैक्स पेयर्स का पैसा है इसको कौन बताएगा और इस पर कौन नकेल कसेगा। विज्ञापनों पर खर्च जो प्रशांत टंडन जी बता रहे हैं वो आंकड़ा सामने है, उन आंकड़ों को कैसे जोड़ा जाएगा कि ये टैक्स पेयर्स का पैसा राजनीतिक प्रपंच के लिए या दूसरे मकसद से खर्च किए जा रहे हैं। ये फैक्ट्स जो हैं ये सबसे बड़ी चुनौती है आज के समय में मीडिया के भी सामने और जो सरकारी संस्थाने जो ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रही है। तो जिम्मेदारी का निर्वाह करे सरकारी संस्थाने, ये ऐसा कैसे मुमकिन होगा जबकि सत्ताधारी दल का संरक्षण प्राप्त है, उसके इशारे पर वो काम नहीं कर रहे। यही वो दुविधा है जो उनके आइडियल भाषण को ही करप्ट बना देता है। भाषण का कंटेंट आइडियल होते हुए भी वो एक्चुअली करप्टेड है, उसमें आप बोल सकते हैं जैसे फाइल्स करप्ट हो जाती है, उनका भाषण करप्ट हो चुका है, क्योंकि ईमानदारी नहीं है, कर्तव्य नहीं है। ये बातें हम ये देखते हैं। कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, कर्नाटक निश्चित रूप से आपने बहुत सही बात कही कि जहां के मंत्री बर्खास्त हुए लेकिन उनको सजा तो नहीं हुई, जांच में उनको कन्विक्ट माने प्राइमरी जांच में ही उनको बरी कर दिया गया। तो कैसे होता है कि एक कार्यकर्ता जो कि इल्जाम लगा करके लीक करके अपनी जान दे देता है लेकिन उस मामले की जांच नहीं होती सही से। उसके बाद हिंदू जो मठ है लिंगायत मठ, वो सीधे करप्शन का आरोप लगाते हैं कि 40% 30% करप्शन लिए बना हमारा काम भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हिंदुओं के बीच ये उद्वेलित नहीं करता मुद्दा और वो हिंदुत्व के झंडा बरदार बने हुए रहने का दिखावा करते हैं। अलग बात है कि कर्नाटक के लोग जवाब देंगे, हम ऐसी उम्मीद रखते हैं। ये सारी चीजें हैं कांग्रेस को और विपक्षी दलों को घेरने के मकसद से। ये एक इशारेबाजी है प्रधानमंत्री की, ये इशारेबाजी है सभ्य भाषा में आइडियलिज्म की बात बोलते हुए कि हम भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प ले रहे हैं, और ये भ्रष्टाचार सिर्फ दूसरी तरफ है, उनके इधर भ्रष्टाचार नहीं है, जो वो बोल नहीं रही है उसका मतलब निकलता है। तो ये जो संकेत में जो इशारा कर रहे हैं संस्थानों को कि आप एक्शन लीजिए, चुनाव है वहां पर एक्शन लीजिए, वो उसका नमूना है। हम ये कहना चाहते हैं और भी बात वो ये कि अदालत में कई घटनाएं एक साथ घट रही हैं, उसको जोड़कर देखने की जरूरत है कि क्या हो रहा है देश में। कि आप देख रहे हैं आज साकेत में गोली चल गई अदालत के भीतर, कोई आदमी अदालत में तो नियत्ता ही जाता है ना, आम आदमी अब अदालत कैसे जाना चाहेगा जब वहां गोली चलेगी। हम तो निहत्ता जाएंगे और कोई हाथ हथियार लेकर आएगा हमें मार डालेगा, हम क्यों अपनी जान आफत में डालें, हम क्यों अदालत जाए। ये बहुत बुरा संदेश जा रहा है। गवाह उमेश पाल की हत्या हो गई, कोई भी देश में क्यों गवाही देगा, यानी अदालत का जो महत्वपूर्ण पाठ होता है गवाही भी अब खतरे से खाली नहीं है। बात जेल में सरेंडर करना, अरे सरेंडर जो पुलिस कस्टडी में है
उसकी हत्या हो जा रही है, कोई क्यों सरेंडर करेगा? यानी कानून के प्रति अविश्वास का पूरी तरीके से ये माहौल दो तीन घटनाओं में झलकता है कि आदमी विश्वास करे तो न्यायालय पर क्यों करे। एक और भी बात, भाई नरोदा गांव में फैसला आता है, कोई दोषी नहीं है, इतना बड़ा नरसंहार हुआ, कोई दोषी नहीं है। मुजफ्फरनगर में आता है बहुत सब दो दशक से ज्यादा समय के बाद, कोई दोषी नहीं है। तो आप इतने दशकों तक जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन टीम में, ये तो सड़ी हुई इन्वेस्टिगेशन टीम है, कोई दोषी ही नहीं है। अरे कोई तो दोषी होगा, मान लिया गया कि जो पेश किया गया वो दोषी नहीं है, इसके अलावा तो कोई दोषी होगा, अदालत यहाँ खामोश है। तो हम अदालत का जो भरोसा है, अदालत पर जो भरोसा है, ये खत्म होने से पूरा सिस्टम जो है ये कोलैप्स होता दिख रहा है, अराजक स्थिति पैदा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम सिर्फ अदालत पर बात करने के लिए हमने ये मुद्दा नहीं छेड़ा है राजीव रंजन जी, इसका सीधे राजनीतिक संबंध है। राजनीति के कारण ये चीजें हो रही हैं कि देखिए अमित शाह जी एक मामले में बरी हो जाते हैं, है ना, उनको तड़ी पार किया गया था, याद कीजिए। तड़ी पार का मतलब क्या, सीबीआई ने कहा था कि अमित शाह जी का ट्रायल गुजरात से बाहर होना चाहिए क्योंकि यहाँ निष्पक्ष ट्रायल नहीं हो सकता, उस बात को माना गया था। और उसके बाद दूसरे प्रदेश में ट्रायल हुआ, हालांकि वो भी निष्पक्ष हुआ, इसमें क्वेश्चन है। मगर आज उसी गुजरात में नरोदा गांव में निष्पक्ष ट्रायल नहीं हुआ, वही ग्राउंड है। कैसे होगा गुजरात में निष्पक्ष ट्रायल? आज तो गुजरात की अदालतें जो बिहेव कर रही हैं वो उस बात की पुष्टि कर रही है कि गुजरात में पॉलिटिकल मामलों का निष्पक्ष ट्रायल नहीं हो सकता। उस सीबीआई के उस समय के बयान की आज पुष्टि हो रही है इन फैसलों से, ये संबंध है उसका। बहुत लोग कहते हैं कि अतीक अहमद को गोली मार दिया तो ठीक किया, गोली मार दिया तो ठीक किया, क्यों? क्योंकि अदालत में तो न्याय हो ही नहीं पा रहा है। आज ही मैं एक प्रवक्ता से उलझ रहा था, उनका कहना था कि अदालत में न्याय नहीं हो पा रहा था तो अगर मार ही दिया तो क्या हुआ। अब बताइए अगर यही पैमाना हो जाए तब तो न्याय नहीं हुआ, नरोदा पाटिया में भी सारे लोगों को मार ही दीजिए, फिर क्या हो जाएगा? फिर अमित शाह जी को भी क्यों जिंदा रहना चाहिए, वो बरी हो गए, न्याय नहीं हो पा रहा है। ये तो मैं नहीं चाहता किसी को मारा जाए, ये तो गलत प्रैक्टिस है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कुतर्कों की बात कर रहा हूं। तो ये पूरी तरह से पॉलिटिकली, चूंकि सिस्टम में पॉलिटिक्स घुस गया है, अदालतें प्रभावित हो रही है कि गुजरात के फैसले एक खास किस्म से आएंगे और दूसरे स्टेट में फैसले कुछ किसी अलग किस्म से आएंगे, पुलिस कहीं किसी और तरीके से व्यवहार करेगी, ये सारा सिस्टम। और प्रधानमंत्री इशारों में बात करेंगे, आदर्श की बात करेंगे, भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करेंगे, वो एक संकेत है विपक्ष के लिए, इससे ज्यादा कुछ। जी जी एक संकेत राजनीति और इस एक